नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हुज़ैफा गौर और बड़ी खबर में आपका स्वागत है। बड़ी खबर है चाइना से। आपको बता दें, चाइना की बीजिंग में विंटर ओलंपिक्स होने वाले हैं, जिसको लेकर चाइना को एक और झटका लगा है। अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया का ओलंपिक बहिष्कार का ऐलान हुआ है। आपको बता दें, अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने ओलंपिक का बहिष्कार किया है। कनाडा ने भी अब शीतकालीन ओलंपिक के बहिष्कार का ऐलान किया है। आपको बता दें, बड़ी खबर में शीतकालीन ओलंपिक यानी कि विंटर ओलंपिक से पहले चीन को बड़ा झटका लगा है। चीन ने ओलंपिक का बहिष्कार करने वाले देशों को धमकी भी दी है। ओलंपिक का राजनयिक बहिष्कार करने वाले चार देशों को चुकानी होगी कीमत, ये चीन ने बोला है। ओलंपिक का राजनयिक बहिष्कार करने वाले चार देशों को चुकानी होगी कीमत। 2022 में चीन के बीजिंग में होगा शीतकालीन ओलंपिक। इससे पहले चार जो प्रमुख देश माने जाते हैं, उन्होंने बहिष्कार किया है। साथ ही आपको बता दें, कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि चीन में लगातार हो रहे मानवाधिकार उल्लंघनों से कनाडा काफी परेशान है। हम शीतकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों में किसी भी डिप्लोमेट प्रतिनिधि को नहीं भेजेंगे। बीजिंग में 2022 में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक से पहले चीन को एक और झटका लगा है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बाद अब कनाडा ने भी चीन की राजधानी बीजिंग में आयोजित होने वाली शीतकालीन ओलंपिक खेलों के डिप्लोमेट बहिष्कार का ऐलान किया है। बुधवार को कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से इसकी जानकारी दी। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि चीन में लगातार हो रहे मानवाधिकार के उल्लंघन से कनाडा काफी परेशान है। इसके विरोध में हम बीजिंग में आयोजित होने वाले शीतकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों में किसी भी डिप्लोमेट प्रतिनिधि को नहीं भेजेंगे। जस्टिन ट्रूडो ने आगे कहा कि हम ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले अपने खिलाड़ियों का पूरा समर्थन करेंगे। कनाडा से पहले मंगलवार को ऑस्ट्रेलिया और इससे पहले अमेरिका भी बीजिंग में होने जा रहे शीतकालीन ओलंपिक के बहिष्कार का ऐलान कर चुके हैं। इसके पीछे चीन के शिनजियांग प्रांत में उइगर मुस्लिमों पर अत्याचार और कई मानवाधिकार उल्लंघनों का हवाला दिया गया है। दोनों देशों ने ओलंपिक में भाग ले रहे अपने खिलाड़ियों को अपना समर्थन दिया है, लेकिन अपने किसी भी डिप्लोमेट को ना भेजने का फैसला किया है। बीजिंग में होने जा रहे शीतकालीन ओलंपिक में केवल 2 महीने बचे हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा के अलावा ब्रिटेन भी खेलों के बहिष्कार पर विचार कर सकता है। इन देशों द्वारा यह कदम अपने एथलीटों को प्रतिस्पर्धा करने से रोके बिना विश्व मंच पर चीन को एक कड़ा संदेश भेजने की कोशिश मानी जा रही है। इससे पहले भी कई बार ओलंपिक खेलों ने विभिन्न देशों द्वारा बहिष्कार या कम देशों की भागीदारी को झेला है। आपको बता दें, सबसे पहले 1956 मेलबर्न में, 1964 टोक्यो, 1976 मॉन्ट्रियल, 1980 मॉस्को, 1984 लॉस एंजलिस और 1988 सियोल में युद्ध, आक्रमण और रंगभेद जैसे कारणों से विभिन्न देशों ने ओलंपिक खेलों का बहिष्कार किया था। साथ ही आपको बता दें कि अगर ऐसा होता है तो इसमें यह माना जाता है कि जो देश हैं वो एक ही लाइन के माने जाते हैं, और जो अगर वे बहिष्कार कर रहे हैं तो इससे एक युद्ध जैसी भी स्थिति बन सकती है, जिससे चीन बड़ा बुरी तरह घबराया हुआ है। तो ये एक बड़ी खबर सामने निकल कर आई है। चीन घबरा रहा है कि अगर ऐसा होता है तो युद्ध जैसी स्थिति भी बन सकती है। चीन में मानवाधिकार निगरानी समूह की निदेशक सोफी रिचर्डसन ने अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के फैसले का पूरी तरह स्वागत किया है। उन्होंने इसे उइगर और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय को लक्षित मानवता के खिलाफ चीनी सरकार के अपराधों को चुनौती देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। बता दें, बीजिंग ने इस्लामी चरमपंथ कम करने के मकसद से इन शिविरों को व्यावसायिक प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग केंद्रों का नाम दिया है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीजिंग ओलंपिक खेलों के डिप्लोमेट बहिष्कार के फैसले से चीन बुरी तरह बौखला उठा है। उसने कहा, दुनिया में कोई भी पहाड़ नदी को समुद्र में बहने से नहीं रोक सकता है। ऑस्ट्रेलिया में चीनी दूतावास के प्रवक्ता ने कहा, चीन ऑस्ट्रेलिया रिश्तों की मौजूदगी दुर्दशा की जिम्मेदारी पूरी तरह से ऑस्ट्रेलियाई पक्ष पर है। यह फैसला दोनों देशों में सुधार की उम्मीदों के एकदम उलट है। आपको बता दें, अगर ऐसा होता है बहिष्कार को लेकर, तो एक युद्ध जैसी स्थिति बन सकती है, जिससे पूरी दुनिया पर इस चीज का असर भी पड़ेगा। और साथ साथ चीन इसलिए बौखलाया हुआ है क्योंकि वो अकेला खड़ा हुआ है, और साथ ही जो जिन्होंने बहिष्कार किया है उनका कहना है कि
चीन में अत्याचार हो रहा है, जो अल्पसंख्यक है उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। साथ ही आपको यह भी सुनवा देते हैं कि क्या कुछ अलग अलग देशों के जो लीडर हैं उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए सीधा स्क्रीन पर। Biden administration will not send any diplomatic or official representation to the Beijing 2022 Winter Olympics and Paralympic Games, given the PRC's ongoing genocide and crimes against humanity in Xinjiang and other human rights abuses. The athletes on Team USA have our full support. We will be behind them 100% as we cheer them on from home. We will not be contributing to the fanfare of the games. U.S. diplomatic or official representation would treat these games as business as usual in the face of the PRC's egregious human rights abuses and atrocities in Xinjiang, and we simply can't do that. As the president has told President Xi, standing up for human rights is in the DNA of Americans. We have a fundamental commitment to promoting human rights, and we feel strongly in our position, and we will continue to take actions to advance. Mr. Speaker, it's clear from what I said earlier on that the government has no hesitation in raising these issues with China, as I did with President Xi the last time I talked to him, and there will be effectively a diplomatic boycott of the of the Winter Olympics in Beijing. No ministers are expected to attend. What I think the House and no officials, Mr. Speaker, but what I can tell the House is that I do not think that sporting boycotts are sensible, and that remains the policy of the government. For the past many months, we've been in conversation with partners and allies around the world on the issue of the Beijing Olympic and Paralympic Games. As a country, indeed, as many partners around the world, we are extremely concerned by the repeated human rights violations by the Chinese government. That is why we are announcing today that we will not be sending any diplomatic representation to the Beijing Olympic or Paralympic Games this winter. It's been very clear that concerns around arbitrary detention are real and are shared by many, many dozens of countries around the world, which is why we saw such tremendous participation and sign on to our declaration against arbitrary detention. We know that our athletes need to have one thing in mind, that is representing their countries to the best of their ability and winning that gold medal for Canada. They will be focused on that. We will do everything necessary to ensure their safety and ensure that they are able to focus single-mindedly on bringing home the gold for Canada. 中方没有邀请任何澳大利亚政府官员出席北京冬奥会。他们来或者不来，没有人会在意。澳方政客出于政治私利作秀炒作，对北京成功举办冬奥会，不会有任何。 जैसा कि पहले भी हुआ है, अगर कोई देश बहिष्कार करता है, कोई जैसे अमेरिका जैसे देश हो गए, अगर वो किसी ओलंपिक का बहिष्कार करते हैं तो युद्ध जैसी स्थिति बनती है। इसी को लेकर चाइना में खौफ देखने को मिल रहा है। चाइना एक तरीके से बौखला गया है, क्योंकि एक अमेरिका हो गया, कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट ब्रिटेन, जो कि बड़े देश माने जाते हैं, पूरी दुनिया के एक ताकतवर देश माने जाते हैं, अगर ये बहिष्कार करते हैं तो चाइना तो बौखलाएगा ही। तो इसी को लेकर अब चाइना पूरी तरह बौखलाया है, उसको कहीं ना कहीं डर बना हुआ है कि अब आगे क्या होगा। बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्टार न्यूज़, क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।